The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रे हेयर्स की और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ग्रे हेयर्स यानी आपके बाल सफेद यानी या सिल्वर होने लग जाएं कम उम्र में या उम्र के साथ, तो उसका क्या मतलब होता है, क्यों होते हैं सिल्वर लाइनिंग ग्रे हेयर्स, कैसे होते हैं और उसके लिए कई सारे घरेलू उपाय भी हैं, कुछ सारे टोटके हैं, नुस्खे हैं, तो उसमें से कुछ हम बताएंगे जो एक्चुअली आप ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले वो होता क्या है। देखिए, जो हेयर है, हेयर उसकी अपनी एक नेचुरल साइकिल होती है। हेयर साइकिल का एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, आप अगर हमारे हेयर वाले प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। तो हेयर की इस नेचुरल साइकिल में हेयर जो है वो आपका हर एक बाल उस साइकिल के एंड में मर जाता है और बाद में रीजनरेट होता है। मर जाता है, गिर जाता है, टूट के निकल जाता है और रीजनरेट होता है। इसी प्रकार के डेली बेसिस पे आपके 100 बाल निकल जाते हैं, 100 बाल निकल जाते हैं और बाकी रीजनरेट होते जाते हैं। कौन रीजनरेट करता है? आपके हेयर फॉलिकल्स। आपके हेयर फॉलिकल्स रीजनरेट कर पाते हैं उम्र के बाद, एक उम्र के बाद धीरे धीरे एक एक करके या थोड़े थोड़े करके वो हेयर फॉलिकल्स जो है, एज जब उसकी उम्र हो जाती है तो वो रीजनरेट करने की क्षमता कम कर देते हैं। इस वजह से आपके बाल ही कम ग्रो हो पाते हैं। और उससे पहले उस बालों में जो मेलानिन डालते हैं, जो उस हेयर फॉलिकल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट्स, जो मेलानिन काला पिगमेंट बनाते हैं, वो पहले डीजनरेट हो जाते हैं और वो मेलेनोसाइट्स नहीं बना पाते कलर। इस वजह से जो बाल आता है वो आता है इस प्रकार का सिल्वर या ग्रे, सफेद सफेद बाल। अब इसका मतलब यह है कि लाखों लाखों बालों में से हो सकता है कि जवानी में ही आपके कुछ हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो मेलानोसाइट्स है वो डैमेज हो रहे हैं, कोई बीमारी के वजह से कुछ हिस्से के हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स के वजह से हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो रहे हैं या उसके अंदर के मेलानोसाइट डैमेज हो रहे हैं। इस चीज के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जो था प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। वो अलग से आप सर्च करके देख सकते हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, वो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे देख सकते हैं, सर्च मार। अब ये भाई साहब, चलो ठीक है, उम्र के साथ होता है या मेलानोसाइट काम करना बंद कर देता है, सबसे बड़ा उसमें डिटर्मिनेंट होता है जेनेटिक्स। जी हाँ, आपके जीन्स में, आपके माता पिता, आपके बुजुर्गों के अगर बाल गए हैं या वाइट हुए हैं जल्दी, तो आपके भी होंगे। वैसे ही अगर आपके एक्चुअली में जल्दी ग्रे होने लग जाते हैं, नॉर्मली आदमी के 35 साल के ऊपर ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एक्चुअली में, और एजिंग जो फॉलिकल्स होते हैं वो व्हाइट या ग्रे हेयर बना देता है टू रिप्लेस द डाइड नेक्स्ट हेयर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया ग्रेइंग का। तो आप ये नहीं बोलना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा सफेद बाल कैसे आ गया, ठीक है। हर वो चीज जो आप बालों के साथ करते हैं, चाहे वो बहुत देर तक धूप में खड़े रहना हो, उल्टे सीधे इंग्रेडिएंट्स लगाने हो, गलत सलत के ट्रीटमेंट हेयर के लेने हो, वो हेयर फॉलिकल्स को हार्म कर सकते हैं। कौन सा करेगा, कौन से ने किया, मलामाइट ने, ठीक है, ओके। फॉर दैट यू हैव टू वॉच ऑल ऑफ माई हेयर वीडियोस। So, अब आप क्या कर सकते हो उसके लिए, कुछ लाइफस्टाइल सॉल्यूशन। सबसे पहले विदाउट दीज बेसिक्स, राइट, जैसे एक अच्छा हेल्थ पाने के लिए, अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छा सोना, ये तो बेसिक है ना, और एक्सरसाइज ये जरूरी है। अगर यही नहीं करते हो तो क्या, दवाई से थोड़ी कुछ होने वाला, कोई सप्लीमेंट से थोड़ी कुछ होने वाला। सेम वे एक अच्छी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, बिना उसके आपके हेयर नहीं ग्रो होंगे या नहीं अच्छे होंगे, नहीं काले होंगे, नहीं वापस ठीक होंगे। सो हेयर के लिए, अच्छी तरह से हेयर के कलर को मेंटेन करने के लिए, लंबे समय तक अच्छे हेयर रखने के लिए आपके अंदर अच्छे विटामिंस जाने चाहिए। तो एक बैलेंस्ड डाइट अगर लेते हैं तो विटामिंस अच्छे से चले जाते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर में बी विटामिंस की कमी है, स्पेशली B12 की वेजिटेरियंस में बहुत होती है, कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी है, कईयों में EA ये भी कम होता है। तो ये मेन विटामिन है जो बालों के लिए जरूरी होता है। कई लोग न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं, कई कई दिन तक खाना नहीं खाते, ये करते वो करते, उनके वजन तो कम हो जाते हैं मगर वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाते हैं इन प्रकार के विटामिंस में। इसलिए आइदर यू सप्लीमेंट और मेक श्योर टू टेक अ गुड बैलेंस डाइट, सिंपल। अब मिनरल्स भी जरूरी है इसमें, आयरन वेरी कॉमनली डेफिशिएंट इन फीमेल्स इन इंडिया, मैग्नीशियम ऑल्सो वेरी कॉमन,
सेलेनियम एंड कॉपर एंड जिंक, दीज आर ऑल ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस मिनरल्स, बहुत कम मात्रा में चाहिए, इसलिए दुनिया भर के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है इसकी। इफ यू सिग्निफिकेंटली हैव अ हेयर प्रॉब्लम और कुछ ऐसे सजेस्टिंग साइंस हैं कि आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपको इन न्यूट्रिएंट से फायदा होगा, तो कुछ समय के लिए आप इसे ले सकते हो, सो टॉक टू अ डॉक्टर। व्हाट नेक्स्ट भाई, तीन टॉप थ्री थिंग्स जो आप डैमेज कर रहे हैं, जो हेयर फॉलिकल्स के मेलेनोसाइट्स को डैमेज करती है। नंबर वन इज योर स्मोकिंग। स्मोकिंग कैन डैमेज एंड श्रिंक योर हेयर फॉलिकल, सो क्विट, बंद करिए, बंद हो जाओ भाई, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है, कम नहीं करना, कम कर दिए, कभी कभी लेते हो, नहीं, बंद करिए, ठीक है। देन प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम द सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ हेयर, आजकल की धूप बहुत ही ज्यादा खूंखार है, सो बचाओ, कवर विद अ हेयर हैट और स्कार्फ एंड स्टॉप डैमेजिंग योर हेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स या एक्शंस जो आप करते हो, ब्लीचिंग करते हो, कुछ वाइड टूथ कोम की जगह जो इतने सारे खूंखार ब्रश यूज करते हो, पता नहीं कितने सारे, नहीं वो होता है ना इतना बड़ा जिसमें इतने सारे दाने होते हैं, वो भी नहीं यूज़ बेस्ट होता, वो वाइड टूथ वाला मस्त एक बार में निकालें। आई मीन इट्स अ सिंपल वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर जो आपको आना चाहिए। बहुत सारी हीट, बहुत सारी ब्लो ड्रायर, कर्लिंग आयर, हेयर ड्रायर, पता नहीं क्या क्या, उल्टे सीधे सोप्स, वॉशिंग टू फ्रीक्वेंटली, हार्ड वाटर, इतना कुछ होता है जो बालों को डैमेज करता है और हम सोल्यूशन ढूंढते हैं गोली में। ऐसा तो नहीं होता, जादू तो नहीं होता है, पहले डैमेज बंद करो। फिर भी कुछ घरेलू करना चाहते हो तो सिंपल ट्रेडिशनल नारियल का तेल लगाइए। जी हाँ, एक दिन छोड़ के नारियल तेल मसाज करिए बेड पे, बढ़िया अपने बिफोर यू गोइंग टू बेड एंड बढ़िया सो जाइए, और सुबह उठ के जैसे नॉर्मली हेयर वॉश करते हो हेयर वॉश करिए, पानी सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड वाटर से नहीं करिए, कोई खतरनाक शैम्पू नहीं यूज करिए। जिंजर बोलते हैं यूज करने के लिए, तो जिंजर जो है वो आप खाइए, लगाना नहीं भैया, जिंजर लगाने मत बैठ जाना, जिंजर इज वेरी गुड इन ऑल दोज मिनरल्स विच वी सेड, जो हमने बोला, तो खाने में जिंजर खाइए या अपने खाने में डालिए, और उसका आप पानी में पी के, हनी में डाल के घोल के भी पी सकते हैं, व्हाट सो एवर यू वॉन्ट, खाने में खाओ, हनी में खाओ, कोई मेजर दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आंवला, आंवला बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आप उसको आंवला एज अ खाने के भी खा सकते हैं, और आंवले के आंवला तेल भी आता है, आंवले का जूस भी आता है, जो कई लोग लगाते भी हैं, मसाज भी करते हैं बालों में, तो दोज बोथ आर ओके टू डू, नो प्रॉब्लम, फिर वो बेनिफिशियल हो सकता है। ब्लैक सीसेम सीड, सीसमम इंडिकम, इसको भी कुछ लोग खाने के लिए बोलते हैं, तो ये भी हेल्पफुल हो जाता है, ये भी ठीक है। घी, देसी घी भी आप मसाज कर सकते हैं, प्योर घी, बढ़िया वाला, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ और होम रेमेडीज जो काम कर सकती हैं आपके लिए, अनियन आप लगा सकते हैं दिन हफ्ते में दो बार, और उसको रब कर सकते हैं स्काल्प में, उसको रख दीजिए 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। याद रखिए वो इरिटेंट है, तो वो ब्लड फ्लो बढ़ाएगा वहां पर, थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन करेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत देर तक नहीं लगाना, हर चीज़ का नॉलेज रखिए। अनियन और हेयर, हेयर फॉल, हेयर केयर का एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा या बन चुका होगा, एक बार सर्च कर लेना हमारे चैनल पे, कैसे सर्च करना है, एनी टॉपिक बाय डॉक्टर एजुकेशन सर्च कर लिए यूट्यूब पे। अश्वगंधा इज ऑल्सो वेरी गुड टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज अ बिग 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 फैक्टर जो हेयर को भी और बाकी बॉडी के कई पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। करी लीव्स भी मानी जाती हैं, इसका आप पेस्ट बना के दही के साथ मिला के आप बालों पे लगा सकते हैं, और इसको भी हफ्ते में दो तीन बार कर सकते हैं। उसी तरह से आलमंड ऑयल, रोजमेरी ऑयल्स, इन सब में बेनिफिशियल देखे गए हैं, इनके कई सारे नुस्खे आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। आलमंड को आंवले में, इसमें, उसमें मिला के सर पे लगा लो, थोड़ी देर रखो, ऐसा वैसा, ऐसा कोई प्रूवन मेथड नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंग्रेडिएंट्स जो बेनिफिशियल माने गए हैं, एंड दोज आर ओके टू यूज, नॉट वेरी हार्मफुल, नहीं, जो हार्श प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे तो बेटर ही है। अगर आप नेचुरली कलर करना चाहें तो नेचुरल हेयर कलर्स भी आते हैं, जो कि हार्मफुल कलर्स, क्योंकि हार्मफुल कलर से और बाल चले जाए क्या फ़ायदा, तो कई सारे लोगों को एलर्जी होती है, उसके लिए हाइपो एलर्जेनिक हेयर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर मेरा एक वीडियो था। और नेचुरल हेयर कलर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग नहीं होते, तो मल्टीपल टाइम्स आपको यूज़ करना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल हेयर कलर के इंग्रीडियंट्स के, इनके बारे में हो सकता है आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, ठीक है। ब्लॉन्ड हेयर है तो कैमोमिल फ्लावर टी, लेमन पील, सैफ्रॉन, मैरीगोल्ड फ्लावर यूज करते हैं। अब ब्लैक हेयर है आपके तो ब्लैक वॉलनट, ब्लैक टी, सैज और नेटल यूज होता है। ब्राउन हेयर में कॉफी एंड सिनेमन यूज होता है। तो दीज आर नेचुरल हेयर डाइज विच पीपल कैन यूज। अब रेड कलर में बीट रूट, कैरेट जूस, रोज पेटल ऑयल, सब चालू, बीट रूट जूस मेरा लाल करने, बाल बुझे, उल्टे सीधे काम इजिली, लोग एक्सपेरिमेंट करना बहुत जल्दी दौड़ते हैं, कोई बात नहीं, करना ही है तो नेचुरल चीजों से करो भैया।
ठीक है. ऑल राइट, टेक अ नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज योर हेयर फॉलिकल्स एज, दे विल प्रोड्यूस लेस हेयर कलर एंड लेस हेयर. आपके मेलानिन कम होंगे, पिगमेंटेशन कम होंगे, जो धीरे धीरे ग्रे होंगे. पर इसको एक अर्ली एज में ना हो, उसके लिए प्रॉपर केयर जरूरी है. ठीक है, आप अपने हेयर को बचा सकते हैं. नहीं आ रहा है, हेयर जा चुके हैं तो कलर कर सकते हैं. अगर आप एलर्जिक हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें. कोई भी इस प्रकार की होम रेमेडी आपको साइड इफेक्ट ना दें. अगर आप कोई होम रेमेडी या कोई नया प्रोडक्ट, कोई खतरनाक, कोई नया अनयूजुअल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका पैच टेस्ट कर लें अपने हाथों में, अपने पाम पे, अपने इधर फोरआर्म पे, कहीं पर रात भर लगा के रख लें. अगर आपको कोई एलर्जी नहीं हो रही, देन यू अप्लाई इट ऑल ओवर, या अपने डॉक्टर से डिस्कस करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन कनेक्शन विद अ डॉक्टर. ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी. Please share this video. Try to watch all my hair videos if you really want to know about hair care. और like करके जाना भाई, subscribe करके जाना. और अब तक अगर आपने share नहीं किया है आज तक हमारा video, तो groups क्यों बने आपके Instagram के video, आपके Facebook पे, share करो भाई, share करो. Please. Thank you so much. Stay connected. Stay connected.